हेलो भाई, शूट करने के लिए जा रहा था यार, चले भाई भाई। पागल हो गया है क्या यार? कॉलेज खत्म हो रहा है भाई, और ये शूट वगैरह कब तक करेगा? कुछ झांट नहीं हो रहा भाई इससे? भाई ऑप्शन नहीं है यार, ये मुझसे रहा नहीं जाता है बिना तेरे। और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है मैं नहीं सोच रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा भाई। से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम। आज मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि शूट पे चलते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उसका मन बहुत ज़्यादा उदास है। उसको ऐसा लगता है शूटिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, चाहे मुझे अकेले जाना पड़े। लेकिन मेरे साथ विनोद दा आ गए, तो अभी शूटिंग के लिए आए हम। शूटिंग के लिए मतलब मॉनसून आ चुका है, तो काफ़ी कुछ शूट करने को मिल जाता है, सिनेमैटिक शॉट मिल जाते हैं। और हम आए हैं यहाँ पर अभी देवलोक में। इसका नाम हमने देवलोक इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ देवदार के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी अच्छी फुटेज और सिनेमैटिक शॉट यहाँ आप हम कोई भी आए वो शूट कर सकता है। तो एक छोटी सी हाइक लेंगे ऐसे राउंड का, और देखते हैं क्या क्या शूट कर सकते हैं। अब तू आती है बुलाती है, बिस्तर से यूं गिराती है कि सोऊं मैं बाहों में बस तेरी। जब बारिशें बरसती हैं पागल जैसे थिरकती है, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद आके रातें हैं, तो दोबारा और तू ही मेरे दिल की रजा है, तेरे बिना दिल भी खफा है। तो तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ। तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया मैं मेरी एक पल में वार दूँ।